नमस्कार दोस्तों, आज हम विपश्यना मेडिटेशन के बारे में सीखेंगे। विपश्यना भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई मेडिटेशन टेक्निक है। इसी के जरिए बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। इसमें किसी मंत्र का जाप नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई विजुलाइजेशन नहीं है, सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करना, खुद की सांसों को महसूस करना है। विपश्यना का मतलब है देखना। यह खुद के भीतर जाने की, खुद को समझने की क्रिया है, क्योंकि हैप्पीनेस बाहर है ही नहीं। आज मैं आपको यहाँ पे विपश्यना मेडिटेशन की दो साधनाओं के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले आनापान सति। आनापान सति श्वासों को देखने की प्रक्रिया है। हम मन की सिर्फ बुद्धि वाले ऊपर ऊपर के हिस्से को जानते हैं। अंदर जड़ों में क्या हो रहा है यह हमको पता ही नहीं है। हम क्यों परेशान हैं यह पता नहीं है। बस इन सब चीजों को हम नॉर्मल समझकर जिए जा रहे हैं। मन को वश में किए बिना मनपसंद जीवन जिया ही नहीं जा सकता है। मन को एकाग्र करने के लिए श्वासों पर ध्यान देना है। लेकिन मन तो बुरी चीजों पर भी एकाग्र हो सकता है, तो क्या सिर्फ एकाग्र करना ही लक्ष्य है? नहीं, मन में अच्छी भावना, सदाचार की भावना भी जरूरी है, और इसके लिए बहुत गहराई से जाकर काम करना पड़ता है। सांस और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप सांसों को गहराई तक देखना सीख जाते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने विचारों को भी देखना सीख जाएंगे। एक बार विचारों को देखना सीख जाएंगे तो विचारों पर कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। चलिए आनापान सति की प्रक्रिया करनी कैसे है यह देखते हैं। एक साफ सुथरा आसन बिछाकर किसी एक ध्यानासन में बैठ जाइए। जो भी ध्यानासन में आप सरलता से बैठ सकते हैं उसमें बैठिए। कमर, गर्दन, सर एकदम सीधा रखिए। आंख बंद कर अब अपना सारा ध्यान अपनी नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके देखते रहिए। महसूस करते रहिए अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को। बस देखते रहिए, महसूस करें। बाईं नासिका से श्वास गुजर रही है या दाईं नासिका से, या दोनों नासिकाओं से? बस ध्यान से देखते रहिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। तेज, स्लो कुछ नहीं करना है। बस नॉर्मल जो सांसें आप लेते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, बस इसी पर ध्यान दीजिए। इसी को बंद आंखों से नाक के छेदों पर ध्यान केंद्रित करके देखते रहिए। मन भटके तो भटकने दीजिए। जैसे ही याद आता है तुरंत सांसों पर अपने मन को ले आइए। एक चौकीदार की तरह सजग सचेत रहकर हर सांस को देखिए। सांसों के आवागमन के प्रति सचेत रहिए। शुरू शुरू में शायद आपको आपकी सांसें महसूस नहीं होंगी। आती जाती सांसों को शायद आप पूरी तरीके से देख नहीं पाएंगे। लेकिन आप अभ्यास को बीच में रोकिए मत। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप अपनी सांसों को महसूस करना सीख जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे गहराई से और इसकी जड़ों तक आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमारी सांसें और हमारा मन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए मन को जानने से पहले हमको सांसों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। एक बार आपका ध्यान सांसों पर केंद्रित हो जाता है तो आप धीरे धीरे अपने विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आनापान सति के बाद विपश्यना मेडिटेशन की दूसरी एक प्रक्रिया है, वह है अपने मन, अपने हृदय और अपने शरीर के प्रति सजगता। यहाँ पर आपको करना यह है कि आपको हर मूवमेंट अवेयर रहना है। आप अगर चल रहे हैं तो चलते समय भी आपको जितना याद आए उतना अवेयर रहने की कोशिश करनी है। मतलब आपने एक पैर उठाया, फिर आप चलते हैं,
या आप अगर खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते भी आपको अवेयर रह के खाना खाना है। आपके सामने थाली रखी है, आपने हाथ उठाया, आपने अपना खाने का ग्रास मुंह में डाला, आपका मुंह अंदर से भोजन को चबा रहा है, यह सब आपको पूरा ध्यान देके पूरी अवेयरनेस के साथ करना है। आपके हर नित्य कर्म, हर एक्शन जो भी आप डेली करते हैं, बस उस एक्शन के प्रति सजग रहना है। उठना, बैठना, चलना, हर एक्शन के प्रति आपको सजग रहना है। आपको मूल्यांकन नहीं करना है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, जज नहीं करना है, बस अवेयर रहना है। सेम जो आप अपने बॉडी एक्शंस के साथ कर रहे हैं, ऐसे ही आपको अपने थॉट के साथ करना है। जब भी आपको याद आए, शांति से एक जगह अपने विचारों को दृष्टा भाव से देखना है। जो भी विचार आ रहा है उसके प्रति, यह अच्छा विचार है, यह बुरा विचार है, यह पेनफुल है या हैप्पीनेस वाला है, ऐसा कुछ भी आप उसके प्रति जजमेंट मत कीजिए, जज मत कीजिए उसको, सिर्फ दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते रहिए। क्योंकि अगर आप उसको ये बोलते हैं कि ये हैप्पीनेस वाला थॉट है तो आप खुश हो जाएंगे, अगर आप बोलते हैं अरे जो ये विचार आया यह तो बड़ा पेनफुल है तो आप दुखी हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों द्वारा कंट्रोल हो रहे हो। और हमको करना क्या है, हमको विचारों पर कंट्रोल करना है। तो कैसे भी विचार आएंगे उस समय आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, कुछ भी करना नहीं है, न विचारों को अच्छी या बुरी की कैटेगरी में रखना है। बस विचार आया, आपने देखा और विचार चला जाएगा। ऐसे ही हर विचार के साथ आपको करना है। रोज इसका प्रैक्टिस करते करते दोस्तों एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब आपके ऊपर आपके विचारों का असर पड़ना बंद हो जाएगा। और वही असली आनंद है, वही मुक्ति है, वही लक्ष्य है इस मेडिटेशन का। दोस्तों आज मैंने आपको मेडिटेशन की सबसे पावरफुल टेक्निक बताई, जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने विचारों पर, अपने मन पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं। और यही हर मनुष्य का परम लक्ष्य, सुप्रीम गोल होना चाहिए। आपके इस गोल को पाने में मैंने एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारे वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेडिटेशन के टाइप्स, उसके बेनिफिट्स जानने हैं तो वह वीडियो का लिंक भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वह भी जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आपको अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस सीखनी है तो वह भी मैंने एक वीडियो के द्वारा आपको बताई है, जिसके रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी मेमोरी भी शार्प होगी और आप मेडिटेशन में भी इजीली मन लगा सकेंगे। तो चलिए, आपकी हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं एक नए यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।